के परेड ग्राउंड में जलसे के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जारी हैं। जलसा गाह की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स और पुलिस के 2400 अहलकार तैनात किए जाएंगे। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस को आंसू गैस के शेल और रबड़ की गोलियां भी फ्राहम कर दी गई हैं। मजीद तफसीला जानेंगे सदाम से। सदाम बताएगा सिक्योरिटी के हवाले से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे जैसे जलसे का वक्त करीब आ रहा है उसी तरह वफाकी पुलिस के जो मुलाजमीन हैं उनकी तादाद में भी यहाँ पर इजाफा होता जा रहा है और इसके साथ साथ इस वक्त यहाँ पर बड़ी तादाद में खारदार तार एक तो पहले लगाई जा चुकी है, तमाम अभी और भी खारदार तार मंगवाई गई है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में मुख्तलिफ रास्तों को इस खारदार तार से ब्लॉक किया जा सके। जबकि दूसरी जानब अगर देखा जाए तो वफाकी पुलिस और रेंजर्स के जो है 2400 एहलकार जलसा गाह की सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ इन पुलिस एहलकारों को रबड़ की गोलियां और इसके रबड़ की गोलियां भी फराहम कर दी गई हैं और इसके साथ साथ ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। अगर कारकुनान मुश्तैल हो जाते हैं वो रेड जोन की तरफ चलना शुरू करते हैं या परेड ग्राउंड से किसी भी बाहर की तरफ मूवमेंट करते हैं तो उस हालात में इनको कंट्रोल किया जाएगा। जी ठीक है सदाम मांगट, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।